हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि एक ट्रायंगल की थर्ड साइड उसकी लेंथ किस तरह से पता की जाती है जबकि उसका पेरीमीटर और टू साइड्स पता हो। ठीक है, तो क्या है, हाउ टू फाइंड द थर्ड साइड ऑफ अ ट्रायंगल इफ इट्स पेरीमीटर एंड टू साइड्स आर गिवन। ठीक है, तो जैसे यहाँ एक क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ए सी। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, तो ये हमने ड्रॉ कर दिया एक ट्राइंगल ए बी और सी। ठीक है, फिर क्या कहा, ए बी 6 सेंटीमीटर है तो ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, और इसके अलावा क्या है कि इसका जो पेरीमीटर है पी, पेरीमीटर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो थर्ड साइड ए सी की लेंथ पता करनी है, तो ये हमारा क्वेश्चन मार्क, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो थर्ड साइड पता करने के लिए थर्ड साइड का फॉर्मूला, ठीक है, सॉल्यूशन में देखिए, इन ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या दिया है, ए बी, बी सी और इसका पेरीमीटर। ठीक है, ए बी कितना है 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको निकालना क्या है इसकी थर्ड साइड, तो हमने इसको मान लिया ये एस वन है, ये एस टू है और ये एस थ्री है। ठीक है, तो S3 निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर माइनस इन ब्रैकेट S1 प्लस S2। ठीक है, अब अगर हम इसे देखें तो S3 जो मिसिंग है वो क्या है, यहाँ पर वो है AC, तो ये तो हो गया AC, पेरीमीटर P ही रहेगा माइनस S1, फर्स्ट साइड इज AB और सेकेंड साइड BC। अब इसमें वैल्यूज रख दो, ए सी इज इक्वल टू पी, पेरीमीटर इज 15 सेंटीमीटर माइनस ब्रैकेट में ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये सेंटीमीटर में आएगा, ए सी दैट इज वॉट 15 माइनस 6 प्लस 5 ये हो गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया ए सी, इन दोनों को माइनस करेंगे 15 माइनस 11 इज 4 सेंटीमीटर, तो यही हमारी थर्ड साइड है, एसी हमको फाइंड करनी थी, ये आ गया इसका आंसर। तो यदि आपको ट्राइंगल में थर्ड साइड फाइंड करनी है, दो साइड दे रखी है और पेरीमीटर दे रखा है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही यदि कोई कमेंट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।